हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटोनिन। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेंटोनिन के इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिंथेसिस और बायोसिंथेसिस की, और इसी के साथ में इसके जो भी एग्जांपल है उसे भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि जो सेंटोनिन है ये किस तरीके का कंपाउंड है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर वो आता है कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सेस्किटर्पिनोइड कंपाउंड के क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि सेंटोनिन एक तरीके का सेस्किटर्पिनोइड कंपाउंड है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें वॉर्म सीड से, यानी कि ये हमें मिलता है जो आर्टमेशिया के अंदर आपको ड्राइड अनएक्सपेंडेड फ्लावर हेड दिखते हैं वहां से ये हमें ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये बोलता है कि अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टी की तो ये क्या है, ये यूज होता है एज ए एंटी हेलमिंथिक कंपाउंड। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटी हेलमिंथिक आपको देखने को मिलेगी। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सेंटोनिन है ये सोल्यूबल होता है एल्कोहल के अंदर, क्लोरोफॉर्म के अंदर और बॉइलिंग वाटर के अंदर। तो ये सभी प्रॉपर्टी है सेंटोनिन की, और यहाँ पर ये साइड के अंदर आपको सेंटोनिन की स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है C15H18O3। तो यहाँ से आपको इंट्रोडक्शन मिल गया सेंटोनिन का, और इससे आपको पता लग गया कि ये जो सेंटोनिन है वो किस तरीके का कंपाउंड होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है इसका स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन। तो स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के अंदर हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हमने सेंटोनिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया तो हमें पता लगा जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C15H18O3। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में हमें पता लगा, और जैसा कि हमें पता है ये जो सेंटोनिन है ये बिलोंग करता है सेस्किटर्पिनोइड कंपाउंड के क्लास से। तो यहाँ पर आपको तीन आइसोप्रीन यूनिट देखने को मिलेगी। ये जो तीन आइसोप्रीन यूनिट होगी ये आपको देखने को मिलेगी हेड टू टेल मैनर के अंदर ज्वाइन होगी। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है डिटरमिनेशन ऑफ अनसेचुरेशन। अब हम देखेंगे यहाँ पर ये जो सेंटोनिन है इसके अंदर किसी तरीके का कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम करवाएंगे इसका हाइड्रोजनेशन या फिर हम करवाएंगे इसका ब्रोमिनेशन। तो जब हम इस सेंटोनिन का ब्रोमिनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो मिलेगा टेट्रा ब्रोमो सेंटोनिन। और अगर हम इस सेंटोनिन का हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टेट्रा हाइड्रो सेंटोनिन। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट इंडिकेट करते हैं कि जो सेंटोनिन है इसके अंदर आपको कितने डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे लगभग दो डबल बॉन्ड। तो सेंटोनिन के अंदर दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो इन दोनों ही रिएक्शन से हमें पता लगता है कि सेंटोनिन के अंदर दो डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसके बाद के अंदर कंफर्मेशन हो जाती है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी। तो ये बात हुई सेंटोनिन की अनसैचुरेशन की। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है डिटरमिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटोनिन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेंटोनिन को डिफरेंट तरीके के जो रिएजेंट है उसके साथ में ट्रीट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके बाद में हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बोलते हैं। तो इस सबसे पहले पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, सेंटोनिन लेंगे और उसे डिसॉल्व कर देंगे अल्कलाई के अंदर। तो जैसे ही हम इसको अल्कलाई यानी कि एक्वस एनएच के साथ में ट्रीट करते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हाइड्रोक्सी एसिड। हाइड्रोक्सी एसिड का जो नाम होगा वो होगा सेंटोनिक एसिड। तो यहाँ से हमने क्या फॉर्मेशन किया है, यहाँ से हमने बनाया सेंटोनिन से सेंटोनिक एसिड। तो यहाँ पर सेंटोनिक एसिड का बनना ये इंडिकेट करता है ये जो सेंटोनिन है इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ग्रुप देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेंटोनिन की स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ग्रुप जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है, नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सेंटोनिन और इसकी रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। तो जब हम सेंटोनिन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में करवाते हैं तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट देखने को मिलता है ऑक्साइन। और यहाँ पर जैसे ही ऑक्साइन बनता है वैसे ही हमें पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर सेंटोनिन के अंदर हमें कार्बोनिल ग्रुप भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप की भी प्रेजेंस है। इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट है, इस थर्ड पॉइंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सेंटोनिन की रिएक्शन करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ में। जैसे हम यहाँ पर जिंक डस्ट के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं हमें यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलता है दो कंपाउंड का, और ये दो कंपाउंड है इनका नाम है 1,4-डाइमिथाइल नेफ्थलीन और दूसरा है 1,4-डाइमिथाइल नेफ्थोल। साथ में हमें प्रोपीन भी देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रोडक्ट इंडिकेट करते हैं कि जो सेंटोनिन है इसके अंदर आपको नेफ्थलीन का जो स्केलेटन है वो देखने को मिलता है। तो इन सभी रिएक्शन से हमें पता लगा इसके फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के बाद में हम क्या करते हैं, सेंटोनिन का सिंथेसिस करवाते हैं, जिससे और कंफर्म हो जाता है इसकी स्ट्रक्चर का। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिंथेसिस की। अब इसका जो सिंथेसिस होता है वो शुरू होता है अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, जिसके अंदर आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है।
अब हम क्या करेंगे, इस अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के करवाएंगे माइकल एडिशन, जिसके जिसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इस पर्टिकुलर कार्बन पर आपको इस तरीके का ग्रुप अटैच होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे ऐसे ही ओके के साथ में। तो जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, आपको इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। फिर हम यहाँ से करवाएंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, साथ में इसको प्रोवाइड करवाएंगे हीट। तो जैसे हम ऐसा करते हैं, यहाँ से क्या है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल है वो रिलीज हो जाता है और हमें इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिलता है। अब इस कंपाउंड को फिर से हम ट्रीट करवाएंगे SiO2 के साथ में और H2O के साथ में, और फाइनली हमें जो हमारा कंपाउंड है जो कि था सेंटोनिन, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से हम करवाते हैं इसका सिंथेसिस। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। अगर हम बात करें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो सेंटोनिन की बात करें तो आपको इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा और जिसको हम बोलते हैं अल्फा सेंटोनिन, और दूसरा है बीटा सेंटोनिन। तो ये दो टाइप के आपको सेंटोनिन देखने को मिलते हैं, और ये जो दोनों ही फॉर्म है ये क्या है, आपको नेचुरली पाई जाती है, जो कि एपिमर होती है C11 पर, यानी कि आपको C11 के क्या है, एपिमर दिखाई देंगे। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें पता लगी Ca13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। तो इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो सेंटोनिन होता है ये एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, इसके अंदर आपको चार कायरल कार्बन देखने को मिलते हैं। तो ये है हमारा सेंटोनिन, और इस सेंटोनिन के अंदर जो आपको चार कायरल कार्बन देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर आपको ब्लू डॉट से दिखाई दे रहे हैं। और इसके जो दो टाइप थे अल्फा सेंटोनिन और बीटा सेंटोनिन, उसकी स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये बात होगी इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की। नेक्स्ट और फाइनल जो हमारा टॉपिक है वो है बायोसिंथेसिस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी बायोसिंथेसिस के बारे में। तो जब हम सेंटोनिन के बायोसिंथेसिस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इसका बायोसिंथेसिस है वो अभी भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो अल्फा सेंटोनिन है ये सिमिलरिटी शो करता है पार्थेनोलॉइड के साथ में। तो अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ अभी जो पार्थेनोलॉइड के सिमिलर ही इसका जो बायोसिंथेसिस है वो माना जाता है। तो इसका जो बायोसिंथेसिस है वो शुरू होता है फार्सनिल डाइफोस्फेट के साथ में, जिसे हम शॉर्ट में FPP बोलते हैं। अब ये जो FPP है इसके आगे जाके, ये आगे जाके चेंज हो जाता है जर्माग्रीन A के अंदर। फिर इस तरीके से आपको अलग अलग डिफरेंट तरीके की रिएक्शन होते हुए दिखाई देगी। फिर हमें यहाँ पे मिलता है इडियोमिसिल कैटायन, और ये जो इडियोमिसिल कैटायन है फिर ये काफी सारी रिएक्शन सीरीज के अंदर चला जाता है, और फाइनली आपको यहाँ पर सेंटोनिन देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को मैंने आगे वाले जो ये वाली स्लाइड है इसके अंदर एज ए पॉइंट के फॉर्म के अंदर मेंशन कर दिया है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा सेंटोनिन का टॉपिक। हमने सेंटोनिन के स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन, सिंथेसिस, बायोकेमिस्ट्री एक्सेट्रा इन सभी टॉपिक की बात की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।